सो आज मैं आप लोगों के सामने रिलेशन फॉर द माइनॉरिटी के लिए कंसंट्रेशन, ओके, माइनॉरिटी के लिए कंसंट्रेशन में जब फ्लो होगा तो इसके रिलेशन में आपके सामने डिस्कस करना चाहता हूँ, ओके। सो मान लीजिए कि यहाँ पे पी टाइप है, तो यहाँ पे मेजोरिटी करियर तो क्या होगा, होल होगा, ओके। लेकिन जब ये होल इस तरफ जाएगा तो ये माइनॉरिटी हो जाएगा, ओके। तो ये होल मान लीजिए यहाँ पे जाता है, ओके, यहाँ से यहाँ पे जाएगा तो ये माइनॉरिटी करियर। तो यहाँ का कुछ माइनॉरिटी करियर ऑलरेडी एन का जो माइनॉरिटी एन टाइप है, तो यहाँ का माइनॉरिटी होल ही होगा, इसमें जुड़ेगा ये, ओके। तो यहाँ पे माइनॉरिटी करियर का हम रिलेशन देखेंगे तो कुछ इस तरह से होगा, पी एन जीरो इक्वल टू पी एन जीरो ई का पावर वी डी अपॉन वी डी। यहाँ पे जो पी एन जीरो ई वाला जो है इसको हम एन आई का होल स्क्वायर अपॉन एन जी लिखेंगे, ओके। और मान लीजिए कि यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है, ओके, ये अगर इस तरह जाता है यहाँ तो मेजोरिटी है, लेकिन यहाँ पे माइनॉरिटी कैरियर कंसंट्रेशन हो जाएगा, ओके, या इंजेक्टेड कैरियर कंसंट्रेशन हो जाएगा, इसको इंजेक्टेड कैरियर कंसंट्रेशन भी बोलते हैं ना। तो यहाँ पे जो रिलेशन आएगा इसके लिए एन पी जीरो इक्वल टू एन पी जीरो ई का पावर वी डी अपॉन वी टी, ऐसे इस रिलेशन में लिखते हैं। यहाँ पे एन पी जीरो जो होगा इससे पहले हो जाएगा एन आई का होल स्क्वायर अपॉन एन ए, ओके। सो ये तो आप लोगों ने समझ लिया होगा, है ना। तो मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको इसको डिस्कस करना चाहता हूँ। ये क्वेश्चन इस तरह से है, वो एक पीएन जंक्शन है आपके पास सामने, पीएन जंक्शन है कुछ इस तरह का, ओके, इसका एनर्जी बैंड डायग्राम कंसंट्रेशन दिया हुआ है, ओके। मान लीजिए पी टाइप है और ये एन टाइप है, ओके, ये आपका पी पी मीन्स होल कंसंट्रेशन है, ओके, और ये जो है आपका यहाँ पे माइनॉरिटी एन कंसंट्रेशन है, ओके, माइनॉरिटी एन कंसंट्रेशन लेकिन जो सिक्स है ना, और इंजेक्टेड होने की वजह से सब माइनॉरिटी कंसंट्रेशन ऐसा है, ओके। ये आपका 10^15 दिया हुआ है, ओके, ये आपका 10^6 दिया हुआ है, सॉरी 5 दिया हुआ है, और ये आपका 10^2 दिया हुआ है, ओके। तो ये आपका डिप्लेशन रीजन है, रीजन है, ओके। अब क्या होगा कि पी एन एक्स एन, ओके, पी एन एक्स एन जो है ये एक्स एन है और ये एक्स पी है, ओके। पी एन एक्स एन का वैल्यू जो होगा आपका रिलेशन दिया हुआ है पी एन जीरो ई का पावर वी ए के अपन बी डी, ओके। सो ये 10^2 है इक्वल टू 10^5 ई का पावर वी ए के अपन बी डी हो जाएगा, ओके, है ना। सो ये जो आपका ये जो है ये ई वाला हो गया, ठीक, और ई वाला जो वैल्यू जो है ये यहाँ पे आ गया, ओके, है ना। सो इस चीज़ को आपको हमेशा ध्यान में रखिएगा, है ना। सेम चीज़ यहाँ भी कर सकते हैं, ये 10^6 हो गया, तो ये 10^3 जो होगा ये 10^3 ई का पावर वी ए के अपन बी डी होगा, ओके। ये जो रिलेशन जो है आपको हमेशा ध्यान में रखना।